गुड आफ्टरनून क्लास, लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन नंबर 5। द प्राइस ऑफ डीजल इज 55 रुपीज पर लीटर। इफ इट्स प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, देन व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द डीजल पर लीटर। ओके बेटा, यहाँ पर डीजल की जो इनिशियल प्राइस है, यह आपको दी गई 55 रुपीज पर लीटर है, उसकी जो प्राइस है 15% इंक्रीज कर रही है, तो आपको बताना जो न्यू प्राइस होगी वो कितनी होगी। चलो फाइंड करते हैं न्यू प्राइस ऑफ डीजल। डीजल की न्यू प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे कितनी होगी, कितना इंक्रीज कर रही है, 15%। ये हो जाएगा 100 प्लस 15, ये 100, ये इंक्रीज परसेंट अपॉन 100 होगा, और इनटू उसकी जो इनिशियल प्राइस है वो कितनी है, 55 इनटू 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 अपॉन 100 इनटू 55। अब डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 25 जा 100, 11 5 जा 55, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा फिर, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10, 1 कैरी होगा, 3 5 जा 15, ये 5 से तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, जो बचा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 प्लस ये आपका होगा 200 53 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड करिए इसको, 6 4 जा 24 और 1 कैरी होगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, और फिर 12 होगा 1 बचेगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा तो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 2 आएगा 4 5 जा 20, ये इतना आपका आएगा 63.25 रुपीज। ये हमारा जो है न्यू प्राइस ऑफ डीजल है जब 15% इंक्रीज कर जाता है, ये आंसर होगा आपका 63.25। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। न्यू प्राइस ऑफ डीजल 100 प्लस 15% इंक्रीज कर रहा है, 100 इंटू इनिशियल प्राइस जो 55 है, इनको ऐड करेंगे 115 अपॉन 20 अपॉन 100 आएगा इंटू 55, ये इनिशियल है, हम क्या करेंगे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 जा 100, 11 5 जा 55, तो ये आप फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 5 जा 115 और 4 5 जा 20, ऊपर होगा 23 इंटू 11, तो 23 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 आएगा, नीचे 4 बचेगा, डिवाइड करेंगे 63.25 ही आंसर होगा हमारा। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 60% स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इफ देयर आर 240 गर्ल्स इन द स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स यहां दी गई है ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 240, ये नंबर आप गर्ल्स दिए गए यहां पर, ठीक है, और परसेंट दिया गया है बॉयज का, जो परसेंट है परसेंटेज ऑफ बॉयज, ये बॉयज का परसेंटेज दिया गया कितना है, 60%। अब देखिए जो परसेंट निकाला जाता है हमेशा 100 में निकाला जाता है, अगर 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी ना, निकालेंगे यहां पर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, भाई टोटल आपका 100 होगा, 100 माइनस 60 हो जाएगा, कितना होगा यहां पर 40, तो 40% क्या है, गर्ल्स है, तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको फाइंड करने हैं।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 240 है, और इनका परसेंट दिया गया कितना है, 40% अपॉन 40 हो जाएगा और इनटू 100 हो जाएगा ये। अब डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 4 4 6 24, ये हो जाएगा 6 और इनटू 100, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 600। ये हमारा आंसर हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600। इसको नोट करिएगा आप लोग। 7th आप लोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 8th क्वेश्चन। नोट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम करण स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इफ ही सेव्स 2400, व्हाट इज हिज टोटल इनकम। तो कंसीडर करते हैं, लेट द टोटल इनकम बी एक्स रूपीज। ये हो गया हमारा टोटल इनकम, इनकी कितनी है, एक्स रूपीज है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है करंट एक्सपेंड 20% ऑन हाउस रेंट, तो लिखेंगे ही स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पर कितना स्पेंड करता है ये, 20%, टोटल कितना है इसका, 100 है, तो सॉरी एक्स है, एक्स का हम क्या करेंगे, 20% फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 20% एक्स का, तो 0 0 कितना होगा, 5 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बाई 5। एक्स बाई 5 किस पर एक्सपेंड करता है ये, हाउस रेंट पर। अब बचा हुआ कितना है, ठीक है, हम निकालते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग मनी आफ्टर, या रिमेनिंग मनी सीधा निकाल दिया यहां पर, जब ये हाउस रेंट पर, तो कितना टोटल था एक्स, एक्स से क्या करेंगे, एक्स बाई 5 माइनस करेंगे, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस x अपॉन 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन 5, ये रिमेनिंग है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमेनिंग। अब जितना उसने एक्सपेंड किया था उसमें से 60% किस पर खर्च करता है, हाउस होल्ड पर, ना, तो ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड पर देखते हैं कितना एक्सपेंड करता है ये, जो बचा हुआ है इसका कितना परसेंट, 60%, तो हो जाएगा 4x अपॉन 5 ऑफ 60%। इसका हम 60% फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कितना आता है 60%, तो ये हो जाएगा 25, 5 × 5 12 हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा 12x अपॉन 25। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर किस पर, हाउस होल्ड पर, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, रिमेनिंग, फिर रिमेनिंग फाइंड करेंगे, रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी फाइंड करते हैं। तो पहले रिमेनिंग कितना पहले बचा था आपका, ये 4x by 5, तो क्या करेंगे 4x by 5 से इसको हम माइनस करेंगे 12x upon 25 को, चलो माइनस करते हैं 25, और ये 5 टाइम जाएगा, 5 हो जाए 20x हो जाएगा, माइनस 12x, माइनस करेंगे तो आपका 8x आएगा, 8x upon 25। अब इतने उसके पास लास्ट में बच जाते हैं, ही सेव्स 2400। अब ये जो बचा है 2400 का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है जो बचा हुआ धन है उसके पास कितना है, 2400, यही आपका यहाँ पर बचा हुआ है, हो जाएगा 8x अपॉन 25 इज इक्वल टू 2400, देन x इज इक्वल टू 2400 इंटू 25 अपॉन 8, 8 × 8, 8 × 3 = 24, तो हो जाएगा ये 300 इंटू 24, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 होगा, 25 3 = 75,
हो जाएगा 75 एक मिनट बेटा, अभी नोट मत करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 7500 रुपीज ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, इसको नोट करिएगा। अब नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है, इसके आगे से कल बताएंगे। अब थैंक यू वेरी मच। नोट हो गया? नोट करो बेटा जल्दी।